बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं जौहर रशीद। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। चैनल पर आने का शुक्रिया। उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। सिंगल मेंबर कंपनी और रिलेटिवली एक न्यू कंसेप्ट है पाकिस्तान के अंदर। सोल प्रोप्राइटरशिप और सिंगल मेंबर कंपनी में कोई ख़ास मेजर इतना डिफरेंस नहीं है। आज हम डिस्कस करेंगे कि एक सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस और सिंगल मेंबर कंपनी के अंदर क्या डिफरेंसेस हैं और सिंगल मेंबर कंपनी को क्या एज हासिल है सोल प्रोप्राइटरशिप के ऊपर। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी तमाम नए आने वाले व्यूअर से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल का आइकन प्रेस कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बरवक्त पहुँच सके। व्यूअर्स, सोल प्रोप्राइटरशिप के हवाले से मैंने एक पहले ही काफ़ी डिटेल वीडियो बनाई हुई है, वो मेरी वीडियो के आर्काइव्स में जाकर आप चेक कर सकते हैं। लेकिन आज हम सोल प्रोप्राइटरशिप को दोबारा डिस्कस करेंगे क्योंकि हम इसका कंपैरिजन सिंगल मेंबर कंपनी से कर रहे हैं। अगर हम इनकॉर्पोरेशन की बात करें तो सिंगल मेंबर कंपनी कंपनी की तरह इनकॉर्पोरेट होती है। आपको इसका नेम अवेलेबल करवाना पड़ता है, मेमोरेंडम, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, NTN, GST और एक अद नॉमिनी की रिक्वायरमेंट होती है जिसको आप फिल करते हुए एक सिंगल मेंबर कंपनी रजिस्टर्ड करवा सकते हैं और इसकी रजिस्ट्रेशन SEC में होती है। जबकि सोल प्रोप्राइटरशिप को बात करें तो आप सिंपली FBR के पोर्टल पर जाकर 181 फॉर्म को फिल करके अपने बिजनेस का नाम, आप यूटिलिटी बिल और रेंट का एग्रीमेंट दे के आप इस बिज़नेस को रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। अगर बात करें कि कौन कौन से लोग हैं, किन को ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, सिंगल मेंबर कंपनी रजिस्टर करवानी चाहिए, तो सोल प्रोप्राइटरशिप में जैसे कि एक करियाने की दुकान करने वाला, एक छोटा मोटा कारोबार करने वाला सोल प्रोप्राइटरशिप रजिस्टर करवा सकता है। जबकि सिंगल मेंबर कंपनी में एक एडवोकेट्स रजिस्टर करवा सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंट्स इसको रजिस्टर करवा सकते हैं, आर्किटेक्ट करने वाले, काम करने वाले इसको रजिस्टर करवा सकते हैं, इंजीनियर्स इसको रजिस्टर करवा सकते हैं। मींस कि कोई भी अगर स्मॉल एंटरप्राइजेस का बिज़नेस करना चाहे, छोटे लेवल पे बिज़नेस करना चाहे और वो ये चाहे कि उसको कुछ हद तक कंपनी प्राइवेट लिमिटेड की भी खसूसियात मिलें, एडवांटेजेस मिलें, तो वो ये कंपनी रजिस्टर करवा सकते हैं। अगर बात करें इसके मेजर एडवांटेजेस की, तो सोल प्रोप्राइटरशिप की लायबिलिटी जो होती है वो लिमिटेड लायबिलिटी होती है। लायबिलिटी के हवाले से मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई है जिसके अंदर मैंने अनलिमिटेड लायबिलिटी और लायबिलिटी को डिस्कस किया है। सोल प्रोप्राइटरशिप क्योंकि अनलिमिटेड उसके अंदर लायबिलिटी होती है, इन केस अगर आपका बिज़नेस कोलैप्स कर जाता है, आपको लॉस हो जाता है, तो आपके पर्सनल एसेट्स, आपके बैंक अकाउंट, आपकी गाड़ी, आपका घर अटैच हो सकते हैं और बैंक लोन रिकवर करने के लिए वो चीज़ें भी सेल कर सकता है। जबकि सिंगल मेंबर कंपनी की बात करें तो इसमें आपके पर्सनल एसेट्स फुली सिक्योर होते हैं क्योंकि एज़ पर कंपनीज एक्ट 2017 सिंगल मेंबर कंपनी के अंदर लायबिलिटी जो होती है वो लिमिटेड हद तक होती है। एक और डिफरेंस परपेचुअल सक्सेशन का है। जैसे ही सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर जो बंदा इसको बिज़नेस को रन कर रहा होता है उसकी डेथ होती है, उसके साथ ही वो बिज़नेस क्लोज हो जाता है या फिर उसके लीगल हेयर्स के में उसके जो एसेट्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, लेकिन वो बिज़नेस क्लोज करना पड़ता है। जबकि सिंगल मेंबर कंपनी में बात करें तो मैंने आपको उसकी रजिस्ट्रेशन में एक अहम स्टेप बताया था जिसको नॉमिनी की भी रिक्वायरमेंट बोलते हैं। इसके अंदर तब डेथ के वक्त के बाद नॉमिनी का किरदार सामने आता है कि नॉमिनी अगर चाहे तो वो इस कंपनी को रन कर सकता है और इन केस अगर वो चाहे तो वो इस कंपनी को क्लोज कर सकता है। यहाँ पे मैं एक और चीज़ क्लियर कर दूँ कि लोग ये कहते हैं कि अगर नॉमिनी नहीं होगा तो ये लीगल हेयर्स कि मैं ये चीज़ें कंपनी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है व्यूअर्स। नॉमिनी ही उस कंपनी को देखेगा क्योंकि लीगल हेयर्स तो बहुत ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन नॉमिनी एक ही बंदा होता है। अच्छा, अगर आप बात करते हैं हम इनकॉर्पोरेशन के बाद, परपेचुअल सक्सेशन के बाद कंप्लायंस की हद तक बात करें, तो सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर आपको किसी किस्म की कंप्लायंस नहीं करनी पड़ती। एक एडवांटेज है, आप जो टैक्स फाइलिंग कर रहे होते हैं वो अपने ही नाम के साथ आप सोल प्रोप्राइटरशिप अपने बिज़नेस का भी आप टैक्स फाइलिंग कर सकते हैं। जबकि सिंगल मेंबर कंपनी एक क्योंकि एक सेपरेट एंटिटी होती है, इसके अंदर आपको आप ही इस कंपनी के डायरेक्टर भी होते हैं, ओनर भी होते हैं और आप इस कंपनी के को आपके अलग से टैक्स फाइलिंग करते हैं।
इसके अलावा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के मुकाबले में अगर आपका 1 मिलियन तक पेड अप कैपिटल है तो फिर आपको ना ही प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ता है और ना ही आपको सालाना ऑडिट करवाना पड़ता है। लेकिन अगर याद रखिए, अगर आपका 1 मिलियन से ऊपर बिजनेस हो जाता है या फिर 2 करोड़ तक बिजनेस चला जाता है तो फिर आपको जो है वो इसको ऑडिटर भी अपॉइंट करना पड़ेगा और आपको सालाना ऑडिट भी करवाना पड़ता है। अब बात करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर कौन कौन से वो बंदे हैं, क्या मेजर रिक्वायरमेंट्स हैं एक सिंगल मेंबर कंपनी रजिस्टर करवाने के लिए। सिंगल मेंबर रजिस्टर कंपनी रजिस्टर करवाने के लिए एक नेचुरल पर्सन का होना ज़रूरी है, कोई आर्टिफिशियल पर्सन जैसे कि एक सेपरेट एंटिटी कंपनी होती है वो कोई सिंगल मेंबर कंपनी रजिस्टर नहीं करवा सकता। एक बंदा एक ही सिंगल मेंबर कंपनी रजिस्टर करवा सकता है और उसके अंदर एक ही नॉमिनी होगा। इसके बाद सिटीज़न होना पाकिस्तान का ज़रूरी है, वो पाकिस्तान का सिटीज़न होगा और वो इसको रजिस्टर्ड करवा सकता है। व्यूअर्स, एक बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है कि क्या हम सिंगल मेंबर कंपनी को लेटेस्ट स्टेज पे अगर चाहें हमारा बिजनेस फ्लरिश कर जाता है तो क्या इसको हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट कर सकते हैं। जी बिल्कुल व्यूअर्स, आप अपनी सिंगल मेंबर कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर इसके लिए आपको 2 साल वेट करना पड़ेगा, 2 साल के बाद 6 माह के प्रोसेस विद इन 6 मंथ के अंदर अंदर आप एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी सिंगल मेंबर कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट कर सकते हैं। या फिर अगर आपका पेड अप कैपिटल आप चाहते हैं 1-2 साल के बाद कि हम इसको 3 मिलियन करते हैं तो 3 मिलियन से ऊपर जैसे ही आपका पेड अप कैपिटल जाएगा तो आपके लिए नेसेसरी है कि आप अपनी सिंगल मेंबर कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट करें। इसी तरह अगर आपका 2-3 साल कंसेक्टिवली 2 करोड़ से ऊपर आपका बिजनेस होता है तो फिर भी आपको अपनी कंपनी का स्टेटस चेंज करवाना पड़ेगा, सिंगल मेंबर कंपनी से आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में। अगर हम बात करें सोल प्रोप्राइटरशिप को अगर हम कन्वर्ट करना चाहें सिंगल मेंबर कंपनी में तो इसके आंसर जो है वो हाँ भी है और ना भी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी कंपनी का नाम अवेलेबल नहीं होता और आपकी गुडविल काफ़ी ज़्यादा है तो तब भी आप अपने एक कंपनी को जो है वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, सोल प्रोप्राइटरशिप को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अगर आपके एसेट्स को एवेल्यूएशन करनी पड़ती है, आपके एसेट्स देखने पड़ते हैं और एक काफ़ी सारा कम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसके बाद आपकी जो एक सोल प्रोप्राइटरशिप होती है वो कन्वर्ट हो जाती है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, और समटाइम्स ऐसे इश्यूज आ जाते हैं जिसके वजह से आपकी कंपनी कन्वर्जन नहीं हो सकती और आपको एक नई कंपनी जो है वो ओपन करनी पड़ती है। मैनेजमेंट के हवाले से बात करें व्यूअर, अगर तो सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर एक ही फर्द वाहिद की मलकियत होता है, वही उसको मैनेज कर रहा होता है, वही उसको देख रहा होता है, जबकि कंपनी के अंदर आप खुद भी डायरेक्टर हो सकते हैं, सिंगल मेंबर में आप और भी डायरेक्टर रख सकते हैं और मैक्सिमम 15 के करीब जो है वो आप डायरेक्टर्स इसके अंदर रख सकते हैं और डायरेक्टर्स रखने से आपकी मैनेजमेंट में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आता है और आपकी मैनेजमेंट इम्प्रूव होती है और आप अपने बिज़नेस को अच्छे तरीके से रन कर सकते हैं। इसके अलावा कंपनी सिंगल मेंबर कंपनी के अंदर आपको मेमोरेंडम, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, NTN, GST, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट और इनकॉर्पोरेशन नंबर सब कुछ अलॉट होता है, जबकि सोल प्रोप्राइटरशिप में ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपको नेम अवेलेबल करवाना पड़ता है, जबकि सोल प्रोप्राइटरशिप में आप किसी भी नाम से आप बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। व्यूअर्स, ये थी एक छोटी सी वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और अगर किसी किस्म की भी सजेशन हो तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, जुड़े रहिए मेरे चैनल से। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।